रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको देखना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमको अब देखना है 8, क्वेश्चन नंबर 8। OPQ इज द सेक्टर ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट ओ रेडियस एज 15। अच्छा 7 बाकी है, ठीक है 7 देखते हैं। Now, OAB is the sector. Having center at O, radius as 12. If the measure of angle AOB, this is 45, difference between the area, तो हमको ये area के बीच में difference निकालना है। तो हमको ये एरिया निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा बाय 360 इंटू पाई, सॉरी थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा, हाफ 12 इंटू 12 इंटू साइन 45, और फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर देखो यहाँ पे डायग्राम कैसा है, ये सेक्टर है, ये सेक्टर का एरिया, फिर हमने ट्रायंगल का एरिया निकाला, ट्रायंगल का एरिया मतलब ये एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया, और अगर आप दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे, दोनों का अगर आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको कौन सा एरिया मिलेगा। सी, ये एक तो ब्लैक एरिया है बराबर, पूरा का पूरा सेक्टर का एरिया, ये ब्लैक कलर का एरिया, उसमें से रेड कलर का एरिया अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ये एरिया मिल जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं, दिस इज सेगमेंट। तो हमको एरिया ऑफ सेगमेंट यहाँ पे निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लगाएंगे। एरिया ऑफ द सेगमेंट इज एरिया ऑफ सेक्टर 45/360 इंटू पाई 12 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन 45, साइन 45 इज 1/√2, कितना आएगा यहाँ पे आंसर। यहाँ पे देखो पहले तो हम लोग 12 स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पे आएगा 45/360 इंटू पाई माइनस 1/√2। कितना होगा 45/360 का सिंप्लीफिकेशन, 9 से डिविजिबल है देखो, पाई बाय 8, सो दिस इज पाई बाय 8, सो द आंसर इज एरिया ऑफ द सेगमेंट इज 12 स्क्वायर इंटू पाई बाय 8 माइनस 1/√2। क्लियर हुआ ये सम, क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर हुए सम्स ये, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। OPQ इज द सेक्टर, फिर से एक सेक्टर दिया हुआ है, हैविंग सेंटर एट ओ रेडियस एज 15। If the measure of angle POQ is 30 degrees, find the area enclosed by RPQ and chord PQ. फिर वही करना है, RPQ और chord PQ ये area निकालना है। तो we have to first find sector area.
सेक्टर एरिया इज थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ 15 इनटू 15, दो साइड्स का प्रोडक्ट और बीच के एंगल का साइन, सो दिस इज 15 स्क्वायर बाय 2, साइन 30 इज हाफ, सो दिस इज 15 स्क्वायर बाय 4। तो ये जो सेगमेंट है इसका एरिया हमको निकालना है, इट इज 30 बाय 360 इनटू पाई इनटू 15 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर बाय 4, सो दिस इज 15 स्क्वायर पाई बाय 12 माइनस 1 बाय 4, 15 स्क्वायर बाय 4 इनटू पाई बाय 3 माइनस 1। क्लियर हुआ ये सम? 8th नाइन्थ अरे यार आप लोग ट्रायंगल का फॉर्मूला याद नहीं रख सकते क्या? मैंने ये एक्सप्लेन किया था ना आपको, अगर ए और बी दो साइड्स है और बीच में एंगल है तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ए बी साइन थीटा, ये हमने पहले प्रूफ किया हुआ है, यही तो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9th पे आते हैं आप, मे भी देखो 9th और 10th इसके बाद क्लियर हो रही है चीजें। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ एरिया नाउ वी आर गिवन अ सेक्टर और इसकी एरिया हमको दी हुई है, इसकी एरिया है 25 पाई, एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ एरिया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर इज 20 सेंटीमीटर, उन्होंने बोला है कि इसका जो पेरीमीटर है वो है 20 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, मान लो इसका रेडियस है आर और ये है थीटा, तो एस क्या होगा, ये आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ कितना होता है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, आर प्लस आर प्लस आर थीटा, ये इसका पेरीमीटर होगा, सो 20 इज इक्वल टू 2r प्लस आर थीटा, 20 इज इक्वल टू 2 प्लस थीटा इंटू आर। फिर उन्होंने एरिया देके रखा है, इसका एरिया है 25 पाई। नाउ एरिया का जो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर इज रेडियंस में, अगर एंगल हो रेडियंस में तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा, ये होता है। सो आपके पास आर और थीटा का एक ही रिलेशन है, दूसरा ये रिलेशन है, दोनों को सॉल्व करके आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हो। सी आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन, देखो क्या क्या चीज़ें दी हुई है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9th में, सर्कल की एरिया दी हुई है, सो वी आर गिवन अ सर्कल और लेट से इसका रेडियस है आर, इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर एंड इसका एरिया दिया है 25 पाई, तो आर स्क्वायर होगा 25 एंड आर कितना आएगा 5। फिर इसका एक सेक्टर लिया गया है, इसी सर्कल सर्कल का एक सेक्टर, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ एरिया, तो सर्कल की एरिया 25 पाई दी थी, रेडियस हमने निकाल लिया और इसका पेरीमीटर, सेक्टर का पेरीमीटर दिया है, ये आर, ये आर और ये आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ है एंड ये कितना होता है, इसका फॉर्मूला कितना होता है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये जो सेक्टर है इसका पेरीमीटर कितना होगा,
इट इज आर प्लस आर प्लस आर थीटा एंड पेरीमीटर इज 20. तो 2r प्लस आर थीटा इज 20. आर की वैल्यू 5 है, ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 10 प्लस 5 थीटा इज 20. 5 से डिवाइड कर दो, 2 प्लस थीटा इज 4, थीटा इज 2 रेडियंस. अब ये सम क्लियर हुआ. 9th, नाइन्थ में प्रॉब्लम है. ठीक है, नाइन्थ के बाद टेंथ पे आते हैं. सो इन टेंथ, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ एरिया, अगेन ये दिया है कि एक सर्कल है उसकी एरिया है, उसका रेडियस आर लेते हैं और इसकी एरिया दी हुई है 64 पाई. एरिया क्या होती है? पाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर का वैल्यू 64, आर का वैल्यू 8, सर्कल का रेडियस 8 है और इसका सेक्टर लिया गया है, इसी सर्कल का एक सेक्टर लिया गया. और सेक्टर का जो एंगल है जैसे थीटा है, तो ये आर, ये आर, ये होगा आर थीटा. तो इसका पेरीमीटर हमको दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर है 56. आर का वैल्यू 8 पुट करते हैं तो 8 प्लस 8 प्लस 8 थीटा इज 56. तो यहाँ पे आएगा 16 प्लस 8 थीटा इज इक्वल टू 56. 8 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस थीटा इज इक्वल टू 7. यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी 5 रेडियन. फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया निकालना है. थीटा हमारे पास रेडियंस में आ गया, तो इसका एरिया कितना होगा? हाफ आर स्क्वायर थीटा विच इज हाफ आर, आर इज 8, तो 8 स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा इज 5. इसका एरिया कितना आएगा? हाफ इंटू 64 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 32 इंटू 5, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये 10th सम क्लियर हुआ. टेंथ और नाइन्थ सम एकदम सेम है. आप अगर वो वर्ड्स यूज करो, उन वर्ड्स को देखो, उन्होंने ये दिया है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस कुछ है, इसकी एरिया हमको दी हुई है, इसकी एरिया है 64 पाई. नो, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर का वैल्यू आएगा 64, क्योंकि पाई पाई कैंसिल आउट होगा, तो आर का वैल्यू 8, तो इसका रेडियस है 8. देन इसी सर्कल में जिसका रेडियस 8 है, इसी सर्कल में लेट से सेंट्रल एंगल थीटा है, इसी सर्कल में एक सेक्टर लिया गया है. अच्छा, अगर ये आर्क लेंथ कितना होगा, ये वाला आर्क लेंथ एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है, तो आर यहाँ पे 8 है, थीटा एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये आर्क लेंथ. यहाँ तक चीजें क्लियर है? बताओ जिनको पहले समझ में नहीं आया ये सब. ये जो आर्क लेंथ है, इसका फॉर्मूला है एस, एस इज इक्वल टू आर थीटा, इसको एंड इसको मल्टीप्लाई करना रहता है. तो इसका पेरीमीटर निकालो, इसका पेरीमीटर है 8. पेरीमीटर मतलब ये बाउंड्री 8 8 एंड 8 थीटा, सो 8 8 एंड देन 8 थीटा. पेरीमीटर कितना है? 56. तो 16 प्लस 8 थीटा इज 56, 8 थीटा इज 40, थीटा इज 5 रेडियंस.
अब क्लियर है, थीटा का वैल्यू 5 रेडियंस आएगा, तो इसका एरिया आप निकाल सकते हो, एरिया ऑफ सेक्टर इज हाफ आर स्क्वायर थीटा, जब थीटा रेडियंस में होता है तो ये फॉर्मूला होता है, तो हाफ 8 स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा इज 5, सो 64 बाय 2 इंटू 5, 32 इंटू 5, 160 इसका एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है मिसलिनियस अगर छोड़ दो, तो मिसलिनियस हम लोग बाद में करेंगे, मे बी जब ऑफलाइन लेक्चर्स आ जाएंगे तब हम लोग उस पर फोकस करेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा। अभी हम लोग ट्राई करेंगे कि सारे एक्सरसाइजेस जो है हर चैप्टर के हो रहे हैं अपने से, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट सेकेंड चैप्टर पे आते हैं, विच इज़ अगेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेकेंड वाला है, 12th तक कैरी होता है, ट्रिग्नोमेट्री 1। सी, अब से पहले तक आपने ट्रिग्नोमेट्री जो सीखी है उसमें क्या चीज़ें आपने सीखी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सीखे हैं आपने 10th स्टैंडर्ड तक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल आप लेते हो, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो साइन थीटा आपने लिखा है ए बाय सी, कॉस थीटा इज बी बाय सी, टैन थीटा इज ए बाय बी, कॉट थीटा इज बी बाय ए, सीक थीटा इज सी बाय बी एंड कोसेक थीटा इज सी बाय ए। फिर आपने ये आइडेंटिटीज पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज सिक्स स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा, फाइन, दिस मच यू हैव स्टडीड इन 10th। नाउ ये जो भी आपने लिखा है, ठीक है, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगो फंक्शंस। नाउ व्हाट आर ट्रिगो फंक्शंस, ये देखो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है ये। सो आपको एक्स और वाई एक्सिस लेना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहां पे लेट्स से एक पॉइंट टी है, उसका एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट होगा, उसको आप क्या करो ओरिजिन पे कनेक्ट करो, तो क्या होगा कि इसका कुछ डिस्टेंस होगा, इसका डिस्टेंस होगा ओरिजिन से, दैट डिस्टेंस इज आर, एंड नाउ लेट्स से उसका एक्स एक्सिस से घूम के जो एंगल है दैट इज थीटा, ओके, एंड ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है। देखो दो टाइप के एंगल्स होते हैं, एक एंगल क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो आपके पास मान लो एक्स एंड वाई एक्सिस है, तो जब यहां से आप स्टार्ट करते हो ऐसा एंगल आप बनाते हो, सो ये क्या है, क्लॉकवाइज एंगल है। क्लॉकवाइज एंगल्स क्या होते हैं, नेगेटिव। फिर एक टाइप के एंगल्स ऐसे आते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी के उल्टा, ये पॉजिटिव एंगल्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐसा ड्रॉ किया और ये लिखा, सो दिस इज प्लस 30 डिग्रीज, अगर आपने ऐसे नीचे ड्रॉ किया सो दिस इज माइनस 30 डिग्रीज, फाइन। तो यहां पे आते हैं, हमने एक एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना दिया। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखो क्या है, यहां पे कोई ट्रायंगल नहीं होता। सबसे पहले साइन थीटा का डेफिनेशन है, साइन थीटा का डेफिनेशन है y कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, y अपॉन r। cos थीटा का डेफिनेशन है, cos थीटा का डेफिनेशन है x अपॉन r। कोई ट्रायंगल नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं, वो जो ट्रायंगल वाली चीजें आपने देखी है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं उसको, ये अलग चीज है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। उसके बाद tan थीटा का डेफिनेशन, tan थीटा का डेफिनेशन है सिंपल, tan थीटा का डेफिनेशन है y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, y अपॉन x कोऑर्डिनेट,
बाकी सिंपल है, कोसेक थीटा आप आराम से लिख सकते हो। कोसेक थीटा क्या होगा? साइन थीटा का उल्टा। सीक थीटा क्या होगा? कॉस थीटा का उल्टा। एंड टैन थीटा का उल्टा क्या होगा? कॉट थीटा। सो कॉट थीटा इज एक्स बाय वाई। तो ये चीजें क्लियर हुई, बताओ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे लिखे जाते हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पता होना चाहिए, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, देन यू कैन राइट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगेन मैं बताता हूँ, इसमें कोई ट्रायंगल नहीं होता, नो राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल हम लोग करेंगे बाद में, अभी उसको देने की जरूरत नहीं है। ये पहले चीजें क्लियर हुई, ये जो सामने लिखी है वो देखो बस। आर, ओके, व्हाट इज आर? आर इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। सी फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं लूंगा तो आपको और चीजें क्लियर होंगी। सी फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक अ डायग्राम लाइक दिस, यहाँ पे पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट है 3.4, ये है ओरिजिन 0.0। तो मुझे ये बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा? अपने 10th स्टैंड में डिस्टेंस फॉर्मूला लर्न किया होगा ना, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 5। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 5। ओके, तो लेट्स से ये वाला एंगल है थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा का डेफिनेशन क्या होगा? साइन थीटा इज y कोऑर्डिनेट अपॉन 5। कॉस थीटा का डेफिनेशन होगा x कोऑर्डिनेट अपॉन 5। टैन थीटा का डेफिनेशन होगा y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। कोसेक थीटा का डेफिनेशन होगा 5/4। सीक थीटा का डेफिनेशन होगा 5/3। एंड कॉट थीटा का डेफिनेशन होगा 3/4। क्लियर हुआ ये? बस यही तो किया है मैंने पीछे, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, दिस इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ऑल ऑफ यू, इज दिस थिंग क्लियर? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, नेक्स्ट। मान लो मैं, अब आप मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैलकुलेट करके बताओगे, ठीक है? सो लेट से वी टेक सच अ डायग्राम, दिस इज ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, एंड लेट से वी हैव अ पॉइंट पी ओवर हियर विच इज -3.4। पहला तो ये बताओ इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के देखो, 5 ही मिलेगा आपको, 5 ही मिलेगा यहाँ पे। ओके, अब आप एंगल कौन सा लोगे? एंगल आपको एक्स एक्सिस से ही घूम के हमेशा लेना है, ये एंगल है थीटा। तो अब आप लिखोगे वैल्यूज, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखूंगा, आपको वैल्यू लिखनी है। चलो बताओ साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? ये जो थीटा एंगल है इसका साइन का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज साइन थीटा इन दिस डायग्राम? वी आर सीइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, 4/5 बराबर। साइन थीटा का वैल्यू है 4/5। कॉस थीटा का वैल्यू -3/5, करेक्ट, -3/5। टैन थीटा का वैल्यू -4/-3, करेक्ट, इट इज 4/-3। हो गया, आपको समझ में आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। कोसेक थीटा आप लिख दोगे 5/4, सीक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा -5/3, एंड टैन कॉट थीटा होगा -3/4। दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके फाइन, नाउ ओके, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑल्सो, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ले रहे हो, मान लो मैंने एक पॉइंट पी ले लिया यहाँ पे x, y, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से हमने लिया है r, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज r, एंड यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अगर आप लगाओ, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ तो
आर ये डिस्टेंस है, आर होगा रूट ऑफ एक्स माइनस जीरो द होल स्क्वायर वाई माइनस जीरो द होल स्क्वायर, दोनों साइड्स को स्क्वायर करो तो आर स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वन इज इक्वल टू एक्स बाय आर द होल स्क्वायर प्लस वाई बाय आर द होल स्क्वायर, आर स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे ये एंगल थीटा है तो कॉस थीटा इज एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर, साइन थीटा इज वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, ये दोनों हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन इज इक्वल टू कॉस थीटा द होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर, सो वन इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी ये आइडेंटिटी होल्ड करती है। सिमिलरली हम लोग प्रूफ कर सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा सिक्स स्क्वायर थीटा, एंड वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब ये पेज आपको क्लियर हुआ, तीन आइडेंटिटीज यहाँ पे भी आपकी होल्ड कर दी, ऑल्दो कोई ट्रायंगल नहीं है यहाँ पे। वैसे क्या है, 10th स्टैंडर्ड तक आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे, वहाँ पे ट्रायंगल होता था जिसमें आपने ये तीनों चीजें प्रूव की होंगी, बट नाउ हेयर विदाउट इवन ट्रायंगल ये तीनों चीजें स्टिल होल्ड करती है। ऑल ऑफ यू डिड यू गेट दिस आइडिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी ये तीन आइडेंटिटीज हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज वन, वन प्लस टैन स्क्वायर इज सिक्स स्क्वायर, एंड वन प्लस कॉट स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर थीटा। नाउ अब हमको काफी सारी एक्सरसाइजेस करनी है, काफी सारे प्रॉब्लम्स अब देखो करने हैं हमको, दोस प्रॉब्लम्स आर लाइक दिस, ये देखो ट्रायंगल, ठीक है चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो वील फर्स्ट टेक एक्स एंड वाई एक्सिस, ओके एक्स एंड वाई एक्सिस, उसके बाद एक सर्कल लेंगे एंड लेट्स से दिस सर्कल इज यूनिट सर्कल, ये सर्कल है यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल मतलब उसका रेडियस कितना होगा वन यूनिट, ओके। नाउ आपको 30 60 90 थ्योरम तो याद होगा, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आपने, सो इफ दिस इज 90 दिस इज 60 एंड दिस इज 30 एंड दिस इज हाइपोटेनस ए, तो साइड अपोजिट टू 60 इज रूट थ्री बाई टू इंटू हाइपोटेनस, साइड अपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस, उसके बाद 45 45 90 थ्योरम आपने देखा होगा, ये 45 डिग्रीज ये 45 डिग्रीज, लेट्स से दिस इज ए, साइड अपोजिट टू 45 इज 1 बाय रूट टू इंटू ए, यहाँ पे भी 1 बाय रूट टू इंटू ए, यही चीज हमको यहाँ पे अप्लाई करते जानी है 30 60 90 एंड 45 45 90 वाला थ्योरम, ओके। सो दिस इज अ यूनिट सर्कल, इसका रेडियस वन है, हम लोग अब क्या करेंगे यहाँ पे, लेट्स से आई विल टेक एंगल ऑफ 60 डिग्रीज, 60 डिग्रीज का एंगल लेंगे, सो दिस एंगल इज 60 डिग्रीज, यहाँ पे पॉइंट टी है, रेडियस वन यूनिट है, एंड लेट्स से यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल कंप्लीट कर दिया, ओके so I have completed the triangle over here and this is 90, तो ये होगा 30, इसका radius 1 unit है, now side opposite to 30 degree, side opposite to 30 degrees is half of hypotenuse, तो यहाँ पे half आ जाएगा क्योंकि hypotenuse 1 है, side opposite to 60 degrees is root 3 by 2 into hypotenuse, क्योंकि hypotenuse 1 है तो यहाँ पे root 3 by 2 आ जाएगा। कैन यू टेल मी पी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, ये पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, आपके सामने आंसर, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये वाला लेंथ, ये लेंथ कितना है हाफ, एंड वाई कोऑर्डिनेट मतलब ये वाला लेंथ, ये लेंथ कितना है रूट थ्री बाय टू, तो यहां तक चीजें क्लियर है,
कैसे हमने एक पॉइंट पी के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं यहाँ पे. ऑल ऑफ यू आर यू क्लियर विद दिस कि किसी भी पॉइंट का अगर एंगल दिया हुआ हो तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाए. फाइन, हर सम में आपको ये करते जाना है. अभी हम लोग आज भी और कल का पूरा लेक्चर यही करने वाले हैं. बहुत सारे एंगल्स लेंगे और उनका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालते जाएंगे. तो अगर अभी क्लियर नहीं है तो हो जाएगा क्लियर. सो कॉस 60 अब कितना होगा. कॉस 60, देखो ये एंगल 60 है एक्स एक्सिस के साथ. कॉस 60 का डेफिनेशन क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. साइन 60 क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. टैन 60 क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट. कॉस साइन कॉस टैन इतना ही इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज हाफ, दिस इज रूट थ्री बाय टू एंड दिस इज रूट थ्री. तो इज दिस थिंग क्लियर, कॉस 60 साइन 60 टैन 60 कैसे डिराइव किया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में. अब हम लोग थोड़ा अलग एंगल लेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट एंगल लेना स्टार्ट करेंगे. सो कंसीडर दिस डायग्राम, दिस इज एक्स एंड वाई एक्सिस. विल अगेन टेक अ सर्कल, यूनिट सर्कल लिया है हमने. ओके, नाउ विल टेक 120 डिग्रीज. अब हम लोग 90 से आगे निकलेंगे क्योंकि 90 तक की चीजें आपको पता है. नाउ विल मूव ऑन टू द फर्स्ट स्टैंडर्ड एंगल दैट इज 120 डिग्रीज. देखो आराम आराम से एक एक स्टेप समझो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. सो दिस एंगल इज 120 डिग्रीज. बता सकते हो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा. चलो मैं ही लिखता हूँ, मैं आपसे थोड़े कम ही आंसर्स पूछूंगा. तो दिस इज 60 डिग्रीज, ये 60 डिग्रीज होगा. फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, ये 90 है तो ये होगा 30 डिग्रीज. दिस एंगल इज 30 डिग्रीज. ये 1 है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 1 है. तो साइड अपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस, ये हाफ आएगा. साइड अपोजिट टू 60 इज रूट 3 बाय 2 इनटू हाइपोटेनस, तो यहां पे रूट 3 बाय 2 आ जाएगा. तो ये जो पॉइंट P हुआ, इसका X एंड इसका Y कोऑर्डिनेट क्या होगा. इस पॉइंट P का X कोऑर्डिनेट क्या होगा. अब देखो समझो इसको कि ये वाली जो लेंथ है ये हाफ है और ये वाली जो लेंथ है ये रूट थ्री बाय टू है. बट ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में X क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में X नेगेटिव होता है. तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, माइनस हाफ. एंड वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, इट इज रूट थ्री बाय टू. ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स आपको क्लियर हुए. ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, याद रखो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है. सी इफ आई ड्रॉ दिस डायग्राम, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अगर मैंने एक ऐसा डायग्राम बनाया और मैंने यहाँ पे पॉइंट पी लिखा, मैंने आपको बताया कि ये है, ये डिस्टेंस 2 है और ये डिस्टेंस 3 है. बट ये सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से आप एक्स कोऑर्डिनेट कितना लिखोगे, माइनस 2. वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, दैट इज प्लस 3. ये बेसिक्स है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के. तो आपको ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स कैसे डिराइव किए ये क्लियर हुआ, माइनस हाफ एंड रूट 3 बाय 2. सब लोग बताओ. Other students also let me know if you have understood this. 30-60-90 का basic theorem लगाया और point P के coordinates निकाल लिए, बहुत easy है. ये angle कितना है, 120 degrees. तो अब आप लिख सकते हो cos 120 degrees. Cos 120 degrees क्या होगा, x coordinate upon distance from origin. Sin 120 degrees ये आएगा y coordinate upon distance from origin.
tan 120 degrees is y coordinate by x coordinate. तो ये आएगा माइनस हाफ, ये आएगा रूट थ्री बाय टू एंड ये आएगा माइनस रूट थ्री. तो ये पेज क्लियर हुआ. हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाले 120 के. तो ये क्वेश्चन ऐसे आता है एग्जाम में, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 120 डिग्रीज. ठीक है, नेक्स्ट. We'll now try to find trigonometric functions of 135 degrees. So this angle is 135 degrees. अगर ये 135 है तो ये एंगल होगा 45 degrees. और फिर मैंने अगर मान लो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, this is 90, this will automatically become 45 degrees. और ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 1 लिया तो साइड अपोजिट टू 45 इज 1 बाय रूट 2 इनटू हाइपोटेनस. यहाँ पे भी इस 45 का अपोजिट ये साइड है तो यहाँ पे आएगा 1 बाय रूट 2 इनटू हाइपोटेनस. अब ये वाला लेंथ 1 बाय रूट 2 है, ये वाला लेंथ 1 बाय रूट 2 है. तो इस पॉइंट पी के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? टेल मी द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी. करेक्ट, एक्स कोऑर्डिनेट इज माइनस वन बाय रूट टू. एक्स कोऑर्डिनेट इज माइनस वन बाय रूट टू बिकॉज दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव वन बाय रूट टू. सो नाउ यू आर इन अ स्टेट टू राइट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 135 डिग्रीज. ये 135 डिग्रीज के आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिख सकते हो. तो साइन 135 क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. Cos 135 is minus 1 by root 2 upon distance from origin. Tan 135 is 1 by root 2 by minus 1 by root 2. तो ये आंसर आएगा 1 by root 2, ये आएगा minus 1 by root 2, ये आएगा minus 1. तो यहीं से हम लोग आगे का कंटिन्यू करेंगे कल.